सर जेके बैंक कैसा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर बैंक? तो देखिए पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा मेरे पास, लेकिन हाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक हमेशा से मैं अवॉइड करते रहा हूँ। जे अंडर स्कोर के है वो इसलिए कई बार मेरे पास भी वही दिक्कत आती है। जे अंडर स्कोर के BANK। तो देखिए मैं जनरली हमेशा से इसको अवॉइड करते रहा हूँ, और क्योंकि PSU सेगमेंट में अभी आज के दिन भी इतने मर्जर्स और एक्विजिशंस हो चुके हैं, लेकिन स्टॉक्स कई स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिग्गज बैंक है PNB, काफी अंडर परफॉर्मेंस अभी भी चल रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पे मुझे लगता है कि ये करीबन 37 से लेके 38 तक आपको टारगेट दिखा देगा, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो यहाँ से 5 रुपया, मतलब 5 रुपया ऑन 32 इज ऑलमोस्ट कितना हुआ, करीबन 8-1%, 7-8% का आपको यहाँ से रिटर्न्स मिल सकता है। पॉसिबल नहीं, 7-8 नहीं, 14% हो गया, तो आपको रिटर्न्स मिल सकता है। तो 38 रुपीज के टारगेट के लिए आपको इसको होल्ड करना चाहिए, और काफी टाइम बाद, मतलब मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि काफी टाइम बाद PSU सेगमेंट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए आज के दिन NPS ऑल टाइम लो पे है, पहली चीज, और दूसरी चीज जो जो भी रिकवरीज उन NPS की है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो ये दोनों फैक्टर्स है कि PSU सेगमेंट अच्छा दिख रहा है, तो 37 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड करोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के थर्टी लिए सेवन नहीं, तक के लॉन्ग टारगेट टर्म के लिए नहीं बहुत लॉन्ग नहीं टर्म। नहीं नहीं लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक HDFC बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा, और ऐसे डिस्क्लोजर हमारे पास है, क्लाइंट्स के पास भी है। तो HDFC बैंक मुझे मच मोर बेटर दिखता है प्राइवेट सेक्टर में। क्यों कारण है इसका? ऑफकोर्स अभी मर्जर होगा HDFC और HDFC लिमिटेड का, और एक बड़ा बैंक बनेगा, तो उसके कुछ प्रेशर्स है जिस कारण स्टॉक में करेक्शन आया। लेकिन इस करेक्शन के बाद यहाँ पे इस रेट पे, इनफैक्ट 1350 में आपके शो पे मैंने डिस्कस किया हुआ है ये, तब भी मैं बाई बोला था, और आज 1450-60 जब चल रहा है, आई थिंक अभी भी एक बाई है। तो मेरा इसमें टारगेट करीबन 1600 रेखा रहेगा, तो आपको HDFC बैंक होल्ड करना चाहिए। और आपको अगर बोलो नहीं सर जम्मू एंड कश्मीर PSU और मुझे PSU ही लेना है, अगर आप वैसा अगर बोलो तो मुझे कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है। तो कैनरा बैंक एक अंडरवैल्यूड दिख रहा है अभी भी, और आगे चल के मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा कैनरा बैंक भी। तो PSU में कैनरा बैंक है और प्राइवेट में HDFC बैंक है। या तो कैनरा बैंक ले, और नहीं तो प्राइवेट में HDFC बैंक कह रहे हैं विवेक सर। जे एंड के से लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल दूरी रहने की सलाह है विवेक सर की।